कमलनाथ का बड़ा दावा के साथ दिसंबर को कमलनाथ शपथ लेंगे। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा में एक बड़ी बात कही, 7 दिसंबर को भोपाल में कमलनाथ का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों को शपथ ग्रहण कार्यक्रम का अभी से न्योता दे दिया है नकुलनाथ ने। आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का भी भरोसा उन्होंने दिया है। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ का बड़ा दावा, 7 दिसंबर को कमलनाथ लेंगे शपथ। राजीव भवन आए हैं, आपका स्वागत है। आप सब आउटसोर्स कंपनी हैं, आपकी बड़े दिनों से मांग थी और इस वचन पत्र में कमलनाथ जी ने आपकी हर मांग पूरी कर दी है। अब कोई आउटसोर्स नहीं होगा, सबको शासकीय नौकरी परमानेंट मिलेगी। आपको पिछले 18-19 साल से अन्याय का सामना करना पड़ा, लेकिन 3 दिसंबर के बाद आपको न्याय का सामना करना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि केवल 17-18 दिन बाकी है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 17-18 साल तो आपने अन्याय झेला है, तो 17-18 दिन आप पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से कांग्रेस पार्टी का सहयोग करिएगा और 7 तारीख को भोपाल जरूर आइएगा कमलनाथ जी के शपथ ग्रहण समारोह। तो एक बड़ा बयान यहां पर, आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के वादे के साथ नकुलनाथ ने किया है और एक बड़ा बयान दिया है। 7 दिसंबर को कमलनाथ शपथ ग्रहण कर रहे हैं, नकुलनाथ पूरा आश्वस्त नजर आ रहे हैं और चुनाव का समय है, ऐसे में इस तरह का आश्वासन और कमलनाथ के शपथ ग्रहण के लिए पहले से ही उन्होंने दे दिया है न्योता आउटसोर्स कर्मचारियों को। अब महासंग्राम 2023 और दिलचस्प हो जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनुराग, इनविटेशन मिल गया है अब कमलनाथ के शपथ ग्रहण का? बिल्कुल, देखिए अभी चुनाव हुए नहीं है, नतीजे आएंगे उसके बाद जब वोटिंग हो जाएगी, लेकिन अभी से कांग्रेस ने दावा शुरू कर दिया है। पहले कमलनाथ को भावी और अवश्य भावी मुख्यमंत्री कांग्रेस बताती रही है, लेकिन अब कमलनाथ के बेटे हैं नकुलनाथ और वो कांग्रेस के सांसद भी हैं, वो छिंदवाड़ा में कह रहे हैं कि 7 जो दिसंबर है उसमें कमलनाथ का शपथ ग्रहण समारोह भोपाल में होगा और आउटसोर्स कर्मचारियों को उन्होंने अभी से समारोह में शामिल होने का न्योता दे दिया है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है कांग्रेस का, क्या चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस का कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वजह है ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके से हम कहें कांग्रेस जिस रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है शायद। मामले पर जानकारी देने के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।